नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और आपके साथ मैं हूं चित्रा। खेती के मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा होगा, खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह, कैसे और कब करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। आइए करते हैं कुछ खास जानकारी के साथ शुरुआत। चने की फसल में उकटा रोग के कारण फसल को काफी नुकसान होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए उकटा रोग निरोधक किस्मों की ही बुआई करनी चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है और उकटा रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबा देना चाहिए। बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम या ट्राइकोडर्मा VD 4 ग्राम किलो बीज की दर से उपचारित कर बोना चाहिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली पोल्ट्री से संबंधित कई तरह की ट्रेनिंग देता है। यहाँ पोल्ट्री से संबंधित कोई भी बिजनेस करने के लिए उद्यमियों, किसानों, बेरोजगार युवकों और संगठनों को पोल्ट्री की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जैसे लेयर उत्पादन, बॉयलर उत्पादन, देसी फाउल पालन, बटेर उत्पादन, गिनी फाउल पालन और टर्की उत्पादन से संबंधित जानकारी दी जाती है। साथ ही पोल्ट्री हैचरी ऑपरेशन, बैकयार्ड पोल्ट्री, पोल्ट्री प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर भी खास ट्रेनिंग दी जाती है। आप संपर्क कर इसका लाभ उठा सकते हैं। सब्जी खेतानी और कीट रोगों की समस्या से उपज को भारी नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें प्रमुख है लो टनल पॉलीहाउस टेक्निक। इसमें आप बेमौसमी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, नेनुआ और तरबूज की नर्सरी बेहद ठंड के मौसम में जैसे दिसंबर से लेकर जनवरी तक भी उगाकर लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रतिकूल मौसम में भी लो टनल में अनुकूल तापमान मिलता है। इसके लिए 10 हेक्टेयर में सब्जी की खेती की नर्सरी तैयार करने के लिए एक लो टनल पर्याप्त है। इसमें 1 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा शेड तैयार किया जाता है। बीज डालने के बाद इसे मच्छरदानी और प्लास्टिक से ढक दिया जाता है जिससे मौसम और कीटों का उस पर प्रकोप नहीं होता। इस पर लगभग 1100-1200 रुपए का खर्च आता है। रेगिस्तान के सूखे में भी आंवला बागवानी किया आसान, बिना मिट्टी के खेती, इंजीनियर बना किसान। कृषि दर्पण। अब ये धारणा बदलने की जरूरत है कि खेती केवल मिट्टी में ही हो सकती है। आप चौंकिए नहीं, अब फसलों को सिर्फ पानी की सहायता से भी बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है। इसे ही कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स खेती, यानी जलीय कृषि, जो पिछले कुछ समय से आधुनिक खेती करने वाले किसानों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल करके एक 32 साल का इंजीनियर बिना मिट्टी की मदद से खेती कर रहा है। अगर आप भी ऐसी ही खेती करना चाहते हैं और आपके पास खेत नहीं है तो आप भी अजय नायक के आधुनिक तरीके से सब्जियां और फल उगा सकते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना मिट्टी के फसल, फल या सब्जियां उगाई जा सकती हैं? देखिए इस हरी भरी सब्जी और फलों को बिना मिट्टी, खेत और खाद के उगाया गया है। गोवा के एक नौजवान ने देश के किसानों के सामने ऑर्गेनिक खेती की एक नई तकनीक पेश की है। इसके तहत बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए भी खेती की जा सकती है और मुनाफा कमाया जा सकता है। पेशे से इंजीनियर अजय नाइक नारियल के खोल के जरिए सब्जी का उत्पादन करते हैं, जिससे उन्हें सालाना लाखों रुपए की कमाई हो रही है। रिसर्च करते वक्त मुझे हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला और मैंने करीब 2 महीने रिसर्च करने के बाद ये वाला हमारा फुल्ली इंडोर जो फार्म है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। 32 साल के अजय नाइक को इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन किसी दूसरे के लिए काम करने की बजाय उन्होंने अपनी जमीन पर मिट्टी रहित खेती करना ज्यादा सही समझा। अजय ने पुणे में एक किसान जो हाइड्रोपोनिक यानी पानी वाली खेती करते हैं, उनसे इस खेती के बारे में पूरी जानकारी, तकनीक को समझा और मिट्टी रहित खेती शुरू कर दी। दरअसल हाइड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी की जगह पानी ले लेता है
इसके अलावा इसमें पानी का भी उतना ही इस्तेमाल किया जाता है जितना कि फसल को जरूरत हो। मिट्टी की बजाय इसमें केवल पानी और पोषक तत्वों का ही इस्तेमाल किया जाता है। पानी की सही मात्रा और सूरज के प्रकाश से पौधे अपना विकास करते हैं। इसमें अलग अलग चैनल बनाकर पोषक तत्व युक्त पानी को पौधों तक पहुंचाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। आमतौर पर पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। इस घोल में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक खनिज एवं पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। पानी, कंकड़ों या बालू आदि में उगाए जाने वाले पौधों में इस घोल की महीने में 2-1 बार केवल कुछ बूंदे ही डाली जाती है। घोल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और आयरन आदि तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है ताकि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग सारे प्लांट्स को पानी में ही ग्रो करते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट जो चाहिए रहता है प्लांट्स के लिए वो सब न्यूट्रिएंट्स पानी में ही ऐड होता है। यूजुअली ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए रहता है वो फर्टिलाइजर्स प्लांट सॉइल से लेता है। हम लोग यहाँ पे कोई भी सॉइल यूज नहीं करते हैं, इसीलिए जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं वो हमें पानी में ऐड करना पड़ता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का कई पश्चिमी देशों में पिछले कई सालों से फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश में भी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से देश के कई क्षेत्रों में बिना जमीन और मिट्टी के पौधे उगाए जा रहे हैं और फसलें पैदा की जा रही हैं। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में जहां चारे के उत्पादन के लिए विपरीत जलवायु वाली परिस्थितियां हैं, उन क्षेत्रों में यह तकनीक वरदान सिद्ध हो रही है। वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में मक्का, जौ, जई और उच्च गुणवत्ता वाले हरे चारे वाली फसलें उगाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे 12 महीने पशुओं के लिए पौष्टिक हरा चारा मिल सकेगा। इसी तरह कई राज्यों के प्रगतिशील किसान इस विधि से स्ट्रॉबेरी, सब्जियां, सलाद वाली फसलें भी उपजाते हैं, जिससे किसान एक तो भूमि जनित बीमारियों से बच जाते हैं, वहीं इससे क्वालिटी वाला अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों का हाइड्रोपोनिक फार्म है जहाँ पे हम लोग बिना मिट्टी के इस्तेमाल किए हुए वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो ये हम लोगों का नर्सरी सेक्शन है जहाँ पे हम लोगों का ऐसे नेट पॉट्स रहते हैं जिसमें हम लोग कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट आपका कोकोनट हस्क का पाउडर रहता है। इसमें हम लोग मिट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। कोकोपीट में हम लोग छोटा सा होल बना के उसमें सीड डालते हैं, फिर प्लांट सीड जर्मिनेट होता है और इट स्टार्ट ग्रोइंग। परंपरागत तकनीक से पौधे और फसलें उगाने की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के कई लाभ हैं। इस तकनीक से विपरीत परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं जहां जमीन की कमी है या जहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधे के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की शाक सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में भी उगाई जा सकेंगी। इससे न केवल खाने पीने के सामान की उपलब्धता भी बढ़ेगी, साथ ही खर्च भी कम होगा। क्योंकि इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां भी कम होती हैं। इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है। आप अपने घर में हाइड्रोपोनिक्स खेती कर सकते हैं। पौधे ग्रीन शेड या पॉली हाउस में जमीन से 2 से 4 फीट की ऊंचाई पर स्टैंड लगाकर नारियल के खोल और ऊन के गुच्छों में पौधे रोपित किए जाते हैं। इसमें जमीन से 2 से 4 फीट की ऊंचाई पर स्टैंड बनाकर उनमें ट्रे या पाइप नुमा स्टैंड रखे जाते हैं, जिनमें कोको या पुरानी ऊन के गुच्छे भरकर उनमें पौधे लगाए जाते हैं। इन ट्रे या पाइप स्टैंड में पौधों की जड़ें रहती हैं। इन पौधों को ऑटोमेटिक सिस्टम से जरूरत अनुसार पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। मिट्टी रहित होने से इसे सॉइल लेस कल्चर भी कहा जाता है। अकेले खेती की शुरुआत करने वाले अजय नाइक के साथ आज 6 लोग काम करते हैं। अजय की ही तरह आप भी लोहे से बने ऐसे रैक्स के अंदर पौधे लगा सकते हैं। अजय फिलहाल लेट्यूस, खीरा और स्ट्रॉबेरी जैसे फल और सब्जियां उगा रहे हैं।
अजय की ही तरह अगर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में भी उगाई जा सकेंगी। इससे न केवल खाने पीने के सामान की कीमत कम होगी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कमी आएगी। प्लांट क्वालिटी अच्छी होती है और वाटर कंटेंट अच्छा होता है एंड उसका टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से मतलब मार्केट में काफी सारा डिमांड है और लोग मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित है इसके बारे में। कंट्रोल टेम्परेचर में करते हैं इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहता है और द प्रॉफिट इज ऑलवेज कोर्स इंक्रीज। सवाल ये उठता है कि जब हाइड्रोपोनिक्स के इतने सारे लाभ हो सकते हैं तो इसका उपयोग फैल क्यों नहीं रहा है। दरअसल इस तकनीक के प्रचलित होने के रास्ते में कई कठिनाइयां और चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इस तकनीक को इस्तेमाल करने में आवश्यक शुरुआती खर्च की है। परंपरागत विधि की अपेक्षा इसको लगाने में अधिक खर्च आता है। यहाँ ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है कि बाद में ये काफी सस्ती पड़ती है, क्योंकि इस विधि में पानी का पंपों की सहायता से पुनः इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की भी आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरी बड़ी चुनौती ये भी है कि हर वक्त बिजली की आपूर्ति कैसे की जाए। तीसरी बड़ी चुनौती है लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स के इस्तेमाल के लिए इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और इसमें काफी शोध अध्ययन की जरूरत होती है। बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आबादी की वजह से जब फसल और पौधों के लिए जमीन की कमी होती जा रही है तो बिना मिट्टी के पौधे उगाने वाली अजय की ये तकनीक काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अजय नायक उन युवाओं के लिए भी मिसाल हैं जो खेती को छोड़कर शहरों में नौकरी करना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। अजय की तरह कुछ अलग करने की चाह हो तो खेती में भी तकनीक का इस्तेमाल कर लाखों कमाए जा सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। कृषि दर्पण आपको खेती किसानी की कई नई जानकारियां देता है, प्रेरित करता है। आप में से बहुत से लोगों ने प्रेरणा पाकर अपनी खेती में सुधार भी किया होगा, लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जिन्होंने अपने हालात से जूझते हुए बिल्कुल नया फील्ड चुना, तमाम परेशानियां झेली और आखिर में सफल भी हुए। ऐसी ही कुछ कहानी है राजस्थान के किसान रामरतन की। खेती के साथ कुछ अलग करने की चाह में उन्होंने आंवले का बाग लगाया, जिससे वो आज कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि दर्पण में देखिए राजस्थान जैसे सूखे इलाके में आंवले की खेती को किसान ने कैसे सफल बनाया। किसी जगह को उसकी खासियत की वजह से जाना जाता है, जैसे आगरा को ताजमहल की वजह से, गोवा को उसकी सुंदर बीच की वजह से और नैनीताल को सुंदर वादियों की वजह से। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं। बात दरअसल कुछ ऐसी है। जयपुर में एक गांव है आलीसर। इस गांव को आंवला ग्राम का दर्जा मिला है। गांव में लगे बड़े क्षेत्रफल पर आंवले के बागों की वजह से राजस्थान सरकार ने इस गांव को ये दर्जा दिया। राजस्थान के इस इलाके में पहले यहां खेती करके 4 से 5 हजार कमाना मुनासिब नहीं था, वहीं आज आंवले की बागवानी से किसान लाखों की आय कमा रहे हैं। यहीं के एक किसान रामरतन ने 1996 के करीब 1 हेक्टेयर में आंवले का बाग करीब 8x8 मीटर की दूरी पर लगाया था, जिसमें 3 साल बाद से ही फल आने लगे। कम पानी में ही अच्छा उत्पादन देखकर गांव के और किसानों को भी आंवले का बाग लगाने का मन हुआ और आज आलीसर गांव के आंवले के चलते अलग पहचान बन गई है। रामरतन बताते हैं कि उन्हें एक पेड़ से लगभग 3 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है। किसान ने एक एक हेक्टेयर में जो है पर एक एक हेक्टेयर में आंवला लगाया था और पूरे गांव को आंवला ग्राम घोषित किया गया शुरू में। एक पौधे से हमें जो है तकरीबन 3 क्विंटल वेट मिलता है और 15 साल से हम इसके जो है फल ले रहे हैं। राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में सिंचाई जल कम ही उपलब्ध हो पाता है, ऐसे में यहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। इसलिए जब रामरतन ने बाग लगाया तो आंवले के बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप लगाया। ड्रिप लगाने पर उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान भी मिला। ये पौधे लगाने के 3 साल बाद जो है फल देना शुरू कर दिया था इन्होंने और ड्रिप सिस्टम लगवाया था इसमें हमने शुरू में, तो उसकी इजराइल की स्कीम जो थी उससे और उसमें सब्सिडी मिली थी।
खेती के साथ आंवले की बागवानी ने यहाँ के किसानों को एक नई राह दिखाई। इसी के चलते कुछ सालों में राजस्थान में आंवले की खेती का क्षेत्रफल भी काफी बढ़ा है। आजकल इन बागों में फल बन रहे होंगे, लेकिन आप इन बागों से तभी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जब इनमें किए जाने वाले प्रबंधनों को समय से करें, जिनमें सिंचाई और निराई गुड़ाई बेहद अहम है। आंवले के बाग में इस समय किन प्रबंधनों को किसान करें जिससे आगे चलकर क्वालिटी युक्त भरपूर उत्पादन मिल सके, जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जैसे मान लो आप आंवले में अगर कहीं पे मान लो काला धब्बा, जिसको अपन रोली रोग कहते हैं, आपको अगर किसी पेड़ पर, फल पर, तने पर, पत्ती पर, कहीं पर भी इसका अगर आपको प्रभाव लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत आपको सल्फेक्स पाउडर आता है, जिसको गंधक का चूर्ण भी कहते हैं, 15 लीटर में 30 ग्राम मिला के इसका छिड़काव करें। राजस्थान में अधिकतर जिलों में जहां सिंचाई जल की भारी कमी है, वहां खेती के कुछ ही विकल्प होते हैं। वहां के किसान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खेती करते हैं, जैसे कम सिंचाई में तैयार होने वाली फसलों की खेती, औषधीय फसलों की खेती से लेकर बागवानी तक को आजमाया जाता है। ऐसे में अगर आप बाग लगाना चाह रहे हैं तो आंवला आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कृषि दर्पण, जी मीडिया। वक्त एक ब्रेक का है, एक और अहम रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तेरे गांव की अनाड़ी लड़कियां नाचती होंगी, हम शहर की लड़कियां नहीं नाचती। तो क्या शहर की लड़कियां उंगली के इशारे पर नाचती हैं? ताली बजाओ। देखिए पूरी फिल्म शनिवार रात 11 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहर और कस्बों में लोग बड़े ही शौक से अपने गमलों में कैक्टस का कांटेदार पौधा लगाते हैं। हो सकता है आपने भी लगाया हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बस शौक की चीज नहीं, बल्कि रेगिस्तानी इलाकों में होने वाले इस पौधे को ऊंट बड़े ही चाव से खाते हैं। इससे प्रेरणा लेकर अब इसकी ऐसी किस्म विकसित की गई है कि अब इसे आप गाय, भैंस और भेड़ बकरियों को खिलाकर उनसे और ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। नाखवनी को बड़े पैमाने पर उपजाया जाने लगा है। इसकी खासियत यह है कि इसके लिए सिंचाई की जरूरत नहीं और कम उपजाऊ बलुई मिट्टी में भी यह आसानी से भरपूर उपज देता है। ऐसी पौष्टिक चारे वाली नाखवनी की खेती आप कैसे कर सकते हैं ताकि दुधारू पशुओं के आहार को लेकर आप निश्चिंत हो सके, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कांटेदार पौधे जिन्हें एक जमाने में हिकारत की नजरों से देखा जाता था, इनकी कोई उपयोगिता नहीं दिखती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। बेकार समझे जाने वाले कैक्टस के गुणों को जानकर आज इसकी बड़े पैमाने पर खेती होने लगी है। कटीला होने की वजह से लोग इसे अपशकुन मानते थे। ऐसी मान्यता है कि इसे घर के मेन गेट पर लगाने से बुरी नजर घर में प्रवेश नहीं करती, बावजूद इसके लोग घरों में कैक्टस लगाने से कतराते हैं। ऐसे में नागफनी की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करना आसान नहीं है, जबकि देश में गहराते जल संकट और पशुपालकों के सामने गंभीर होती चारे की समस्या को कृषि वैज्ञानिकों ने गंभीरता से लिया और नागफनी की ऐसी किस्में तैयार की जो किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। और देखते ही देखते कैक्टस की ये नई किस्में आज दुधारू पशुओं के पौष्टिक आहार के रूप में अपना सिक्का जमा रही हैं। ये एक विदेशी किस्म की नागफनी का पौधा है जो कि अमेरिका से मंगाया गया था यहाँ, और इसके बाद में इसके धीरे धीरे अनुसंधान करके इसकी उन्नत प्रजातियां यहाँ पर विकसित की गई हैं। ये प्रजातियां केंद्रीय मृदा लवण संस्थान करनाल में विकसित की गई हैं। वहां से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न मरुस्थली क्षेत्रों में इन प्रजातियों को वितरित करके उनकी खेती की जा रही है। ये पौधा जो है, ये पौधा खराब जमीन, खारी जमीन, खारे पानी या लवणीय पानी, क्षारीय पानी, हर जगह के लिए उपयुक्त है। इस पौधे की मुख्य विशेषता ये है कि इस पौधे को ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए,
और हर विपरीत परिस्थितियों में पौधा यह जिंदा रहता है। मॉडर्न जमाने में लोग खुद को फिट और स्मार्ट रखने के लिए नेचुरल चीजों का सहारा ज्यादा ले रहे हैं। ऐसे में चेहरे की चमक से लेकर स्किन सॉफ्ट बनाने तक में नागफनी कुल के पौधों की खासी अहमियत है। कैक्टस की एलोवेरा प्रजाति सबसे ज्यादा डिमांड में है। चारे के रूप में ये डाइजेशन, एनर्जी, विटामिन और जल का अच्छा स्रोत है। इनमें 90% तक पानी होता है, जिससे जानवरों की पानी की जरूरत पूरी होती है। इस तरह ये बड़ी संख्या में उन पशुओं की जान बचा सकता है जो सूखे के दौरान पानी की कमी से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसकी चार मुख्य प्रजातियां हैं, इनको हम जिनका कोडिंग है 1270, 1271, 1280 और 1287। अपनी परिस्थिति के हिसाब से इनमें से किसी वैरायटी का चयन करके उसकी खेती कर सकते हैं। इस पौधे के मुख्य उपयोग क्या है? एक तो इस पौधे की जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इनकी पत्तियों में प्रोटीन कंटेंट या और लवण कंटेंट जो है वो बाकी चारे से अधिक होता है। दूसरा इनका मुख्य उपयोग क्या है कि जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, जैसे हमारे जो हम बाल को करंगते हैं, काला करते हैं, भूरा करते हैं, या जो बाल के कलर साथ हम उसके साथ डेवलपर यूज करते हैं उनके लिए, या फिर जो आपके शैम्पू बनते हैं तरह तरह के, या फेस वॉश बनते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है ये। इसके अलावा इसके फल जो आप देख रहे हैं, फल हमारे एक मनुष्य के खाने के योग्य हैं। दरअसल कैक्टस प्रजाति के पौधों को अपनाने की और दूसरी कई वजहें हैं, जैसे ये उन कठिन हालात में भी पनप सकता है जिनमें शायद दुनिया का दूसरा कोई पौधा जीवित न रह सके। भीषण सूखे की स्थिति में भी ये पालतू पशुओं के लिए चारा मुहैया करवा सकता है। कैक्टस बहुत कम पानी में होता है, पहाड़ की जलवायु में भी पनपता है, इसलिए इसके महत्व को देखते हुए पहाड़ी खेतों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये एक बारहमासी पौधा है जो उपज पैदा होने और अपने गद्देदार स्टेम्स यानी तने की कटाई के बाद दोबारा पनप जाता है। आइए जानते हैं इसकी प्लांटिंग के बारे में, यानी ऐसे कैक्टस की खेती कैसे की जाए। इसकी एक मुख्य बात यह है कि अगर आपको इसमें लगाना चाहते हैं, मौसम बरसात का आ गया और जुलाई महीने में डेढ़ डेढ़ मीटर पे, 4.5-5 फीट पे खड्डे खोद करके इस पौधे की एक पत्ती आप तोड़ करके उसमें लगा के और थोड़ा पानी दे दें, तो ये पौधा अपने आप बढ़वार करने लगता है और एक डेढ़ दो साल के अंदर पौधे की हाइट 6 से 6.5 फीट ऊपर तक चली जाती है। हर साल पौधे को नीचे से 3 फीट छोड़ करके ऊपर के 3-4 फीट आप काट देंगे तो 1 एकड़ में तकरीबन 250 से 300 क्विंटल हमें पत्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका ना बाजार मूल्य के हिसाब देखें 4 से 5 रुपए किलो, तो 80,000 रुपए से 1,00,000 रुपए प्रति एकड़ तक हमें इसमें टोटल पैसा मिलता है। और अगर आप पैसा को लागत निकाल दें तो 60 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ आपको शुद्ध मुनाफा इसमें आप कमा सकते हैं। कैक्टस बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र की उन कुछ अहम समस्याओं को हल करने में भी मेन रोल निभा सकता है जो किसानों की परेशानियों के चलते सुर्खियों में रही हैं। पानी की कमी और पुरानी तकनीक जैसी समस्याओं के अलावा वहां के किसानों को जंगली और पालतू पशुओं के कारण फसल को होने वाले भारी नुकसान से भी जूझना पड़ता है, तो कांटेदार और ऊंचाई तक बढ़ने वाले कैक्टस की प्रजाति की खेती कर इस समस्या से बचा जा सकता है। तो क्यों न ऐसे कैक्टस से आप भी नाता जोड़ें और इसकी खेती कर अपने पशुओं को सस्ते में पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाएं और अपना भविष्य सुधारें। कृषि दर्पण, जी मीडिया। और अब देखिए कुछ प्रमुख फसलों और फलों की प्रमुख मंडी में चल रहे अधिकतम और थोक भाव की जानकारी। कृषि दर्पण में दिलचस्प नई जानकारियों से भरी रिपोर्ट और ताजा मंडी भाव के साथ कल फिर सुबह 6:30 बजे होंगे हाजिर।
तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।